हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं घिया के कोफ्ते, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं घिया के कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक घिया ले लिया है, इसको हम अब छील लेंगे। तो हमने अपने घिये को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसको कद्दूकस से कस लेते हैं। मैं इसको घिस लेती हूँ। हमने अपने घिया को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से धो लेते हैं। हमने घिये को अच्छे से धो के हमने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी हींग। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। उसने एक कढ़ाई ले ली है, हम इसमें ऑयल डालेंगे क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इनको अब डीप फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। हमें इन्हें मीडियम गैस पर ही सेकना है ताकि अच्छे से अंदर से सिक जाएं। हमारे ये अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको अब अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने इन्हें सबको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं अपनी ग्रेवी तैयार करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ली है 2 प्याज और ये 3 टमाटर। प्याज टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हम इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। हमने प्याज टमाटर का एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इनकी ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। हमने एक कढ़ाई रख दी है, हम इस पर थोड़ा सा घी ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हमारा घी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हींग। ये दोनों चीजें हमारे अच्छे से भून गई है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और अपना प्याज। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, तो मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, हल्दी, मिर्च, नमक, अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें भूनते रहेंगे हम थोड़ी देर तक। अब मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूंगी, जिसको मैंने फेंट लिया है। अब मैं इन सबको भी अच्छे से भून लेती हूँ। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम पानी को भी थोड़ी देर पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आ गया है, तो हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा अमचूर। हम इन्हें थोड़ी देर तक और अच्छे से पकाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, तो हम इसकी गैस को बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। हमने सब्जी को सर्व आउट कर लिया है, तो अब हम इसमें धनिया से इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कोफ्ते की सब्जी कितनी टेम्पटिंग लग रही है, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगी।
तो गाइस जैसे कि आज मैंने आपके साथ लौकी के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।